सबसे पहले तो मैं हमारे सभी मीडिया साथियों का धन्यवाद करूंगा कि इतने शॉर्ट नोटिस में वो आए, और सबका हम लोग शुक्रगुजार हैं। पीएसजी फाउंडेशन की ओर से आप सबको हमारा नमस्कार। आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक उद्देश्य है कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो पीएसजी फाउंडेशन है वो सबसे ज़्यादा मेडिकल फील्ड में काम कर रही है, बहुत सारे सोशल वर्क करती है, लेकिन हमारा फाउंडेशन का फोकस हमेशा मेडिकल पे रहता है, क्योंकि वहाँ पे लोग ऐसे लोग रहते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा उनको मदद की आवश्यकता होती है। जब पीएसजी फाउंडेशन ये सब कर रही थी तो अभी हाल फिलहाल में हमारे जीपन हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में रेयर ब्लड ग्रुप का समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी चीज़ को मनन चिंतन करते हुए पीएसजी फाउंडेशन ने उसके ऊपर में कुछ समाधान खोजने का काम शुरू किया है, और वो समाधान कैसे होगा, उसको कैसे हल किया जाएगा, क्योंकि कुछ समस्याएं जिंदगी की ऐसी होती है जिसका हल प्रशासन करती है, और कुछ समस्याएं जिंदगी की ऐसी होती है जिसको हर नागरिक को मिलकर उसका हल करना जरूरी होता है। उसी में ब्लड की समस्या है। ब्लड की समस्या हमारा अस्पताल हल नहीं करेगा, ना ही हमारा प्रशासन हल करेगा। हम द्वीपवासी हैं, उस समस्या का हल हम द्वीपवासियों को ही करना पड़ेगा। तो इसका समाधान के लिए हम एक मुहिम शुरू कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं हमारे साथ हमारे पीएसजी फाउंडेशन के चेयरमैन श्री जी भास्कर जी हैं, कि इस समाधान को कैसे हम लोग ले जाएंगे और कैसे द्वीपवासियों को रेयर ब्लड ग्रुप की समस्या का हल करने में क्या हमारा प्लान रहेगा और किस तरह से हम इस समस्या का समाधान कर पाएंगे, इस विषय में मैं चाहूँगा हमारे फाउंडेशन के चेयरमैन श्री भास्कर जी ही आप लोगों को एक्सप्लेन करें। सर सबको नमस्कार। ऐसा है कि हाल ही में हम लोग देखा कि ब्लड बैंक में ब्लड का समस्या, क्योंकि तो रेयर ग्रुप का, जैसा ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ये रेयर ग्रुप का कुछ ऐसा इमीडिएट रिक्वायरमेंट में तकलीफ हो रहा है। देखिए, जो भी ब्लड दान दे रहा है, रक्तदान दे रहा है, वो किसी के जान को बचा रहा है। मतलब जो ब्लड ग्रुप, रेयर ब्लड ग्रुप का कोई आदमी जो है अपना ब्लड दे रहा है, वो दे रहा है एक जान बचाने के लिए। तो ये समस्या हम लोग बहुत दिन से ये चल रहा है। हम लोग बैठ के डिस्कस किया कि पहले हमारा जो साउथ अंडमान में, खासकर ये जो 24 वार्ड में, हम लोग ब्लड ग्रुपिंग करेंगे। ब्लड ग्रुपिंग के साथ साथ हम लोग एक सेंसिटाइजेशन करेंगे कि ब्लड का जब आप दे रहे हैं उसका क्या आपको बेनिफिट है, और आपको क्या एक सोशल कॉज चाहिए करके हम लोग एक अवेयरनेस क्रिएट करने मांग रहे हैं। तो ये सिलसिला में हम लोग वार्ड नंबर 2 में कल 10:30 बजे हम लोग ब्लड ग्रुपिंग कैंप करेंगे। ब्लड ब्लड डोनेशन नहीं कर रहे हम लोग, क्योंकि ब्लड डोनेशन स्टोरेज का कुछ इश्यू है। तो हम लोग जब भी ज़रूरत है, ये एक डेटाबेस हम लोग रेडी करेंगे। डेटाबेस रेडी करके जब भी किसी को, मान लीजिए बी पॉजिटिव चाहिए, हमारा सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में बी पॉजिटिव मानने से पूरा सबका ब्लड ग्रुपिंग आ जाएगा, और उसमें एज आ जाएगा। मतलब ये 2 महीना का पहले दिया, ये 3 महीना का पहले दिया, ये 4 महीना का पहले दिया, तो 2 महीना का पहले दिया हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, 3 महीना से लेके हम लोग कंसिडर करेंगे। उसमें से हम लोग वी विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट, इट विल बी अ कॉल सेंटर। हमारा ब्लड जो डोनेशन का एक कॉल सेंटर हम लोग इधर ही में सेटअप करेंगे, ताकि द रिस्पॉन्स टाइम इज क्विक। कभी नेक्स्ट डे ऑपरेशन के लिए ब्लड जरूर पड़ेगा, कभी अभी जरूर है, अभी मतलब उसका ब्लड चढ़ाने से उसको जान बचा सकता है, ऐसा जरूरत पड़ेगा। वो एक हम लोग ग्रुपिंग करके, हमारा पास तो पीएचडी फाउंडेशन का जो भी कोऑर्डिनेटर्स है, इन लोग एक देखिए, ये एफर्ट हम लोग करते हैं, सक्सेस होएंगे नहीं होएंगे दूसरा बात है, एटलीस्ट वी विल बी वेरी सेटिस्फाइड दैट वी आर सेंसिटाइजिंग दी पीपल अबाउट ब्लड डोनेशन। हम एज अ पर्सन, हम ब्लड डोनेशन 22 उम्र से शुरू किया देने में, और 42-43 ईयर्स के बाद जब मेरा शुगर आइडेंटिफाई हुआ उस टाइम हम स्टॉप किया। तो आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन। इधर में क्या है,
की ब्लड बिक्री नहीं होता मेलन में, आपको जाने से प्रोफेशनल ब्लड डोनर्स होते हैं जो ब्लड को बिक्री करते हैं। हाल ही में हम एक अंडमान का पेशेंट के लिए 3 यूनिट ब्लड राजीव गांधी हॉस्पिटल में खरीद के लिए 1200 रुपीज पर यूनिट करके, कोई उधर ही में आप बोलने से एक ब्लड डोनर्स मिल जाते हैं, ब्रोकर से, तो इन लोग लेके आके देते हैं। अंडमान में आज वो सिचुएशन नहीं आया, अभी ये नहीं आना चाहिए, इसलिए ये एफर्ट करते हैं। धन्यवाद। कुछ क्वेश्चन होने से कुछ, आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। एक बात पूछना चाहूँगा सर, हम लोग भी जो है ब्लड डोनेशन कैंप से जुड़े हुए हैं, काफ़ी बार ब्लड डोनेट वगैरह करते हैं, लेकिन एंड वक्त में जब जीवन जाते हैं तो ब्लड हमको भी मिलना मुश्किल हो जाता है, तो इसके ऊपर वजह जान सकते हैं सर क्या, वजह आपको पता है इसके बारे में क्या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या है? देखिए प्रॉब्लम क्या है कि स्टोरेज का, ठीक है, जीबी पंत हॉस्पिटल में पैसेंजर पेशेंट कैपेसिटी के ऊपर ब्लड स्टोरेज है। देखिए आज आप 15-20 साल पहले का वो रिवाइंड करके देखते, आज का सिचुएशन देखिए, बहुत बेहतर है ब्लड का, बहुत अच्छा है, दे आर डूइंग एन एक्सलेंट सर्विस। 20-25 साल पहले हम जब ब्लड डोनेशन के लिए जाता था, आई कुड यू नो आप जो समस्या बोल रहा था 5 यूनिट 10 यूनिट का स्टोरेज का, आई 100 यूनिट्स के ऊपर लोगों का स्टोरेज था, लेकिन फिर भी जब जरूरत पड़ता था मिलता नहीं था, ये बड़ा इशू है। देखिए ये जो गैप को ब्रिज करने के लिए हम लोग इंटरफेस बिटवीन द पेशेंट एंड द हॉस्पिटल, ये आप जो काम करने जा रहे हैं सर वो बहुत बढ़िया काम है। इससे क्या होगा कि ब्लड का जो रिक्वायरमेंट है, अगर जैसा आपका जो एनजीओ है उसके पास रहेगा तो पेशेंट को जो है बाहर घूमने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तुरंत ब्लड मिल सकता है। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर ये कदम उठाने के लिए। और एक बात है, इसमें क्या है कि जो डिसिप्लिन फोर्स है, जैसा नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, हमारा जो पुलिस IRB डिपार्टमेंट, इन लोग सबसे भी हम लोग एक एक करके हम लोग व्यू अवर्स विल बी अ होलसम डाटाबेस रख के हम काम करेंगे। इसमें आप लोग को एक मतलब समाज को एक फायदा ये भी होने वाली है, जैसा मैं कैम्बलवे से बिलोंग करता हूँ, हमारा जो जीपन हॉस्पिटल है इसमें पूरे इंटर आइलैंड से लोग आते हैं इलाज कराने के लिए, जैसे कचाल, कमोटा, कैम्बलवे, लिटिल अंडमान, आपका बाराटांग से लेकर डिग्लीपुर तक ले लीजिए, जहाँ से भी लोग रेफर होते हैं वो हमारे अस्पताल में आते हैं जीपन में। समस्या क्या होता है कि पोडलर के लोग कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को होता है जो इंटर आइलैंड से आते हैं, जिनका यहाँ अप्रोच कम होता है, रिलेशन कम होता है, उनको भारी समस्या को समाधान करना पड़ता है। हम जैसा मैं अभी हाल फिलहाल हमारा एक पेशेंट आया, उनको ओ पॉजिटिव 2 यूनिट जरूरत था, तो हम लोग यहाँ थे तो हम लोग अरेंज कर दिए, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि इस मुहिम से पूरे अंडमान की जनता को इसमें जुड़ने से क्या फायदा होगा कि सबसे अच्छा सोशल वर्क होता है ये, आप अपने आप में एक शांति आपको मिलेगा अगर ब्लड डोनेट करते हैं तो। और दूसरी बात ये होता है कि हम पूरे आइलैंड्स में ब्लड डोनेशन के समय ब्लड का समस्या को हल कर सकते हैं, क्योंकि अभी सोशल मीडिया में आप देखेंगे तो ग्रुप का पूरा डिटेल आ जाता है, कोई ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, लेकिन जब आप उसको कॉल करेंगे तो उसमें से कुछ आदमी इंटर आइलैंड में है, कुछ मेलाइन शिफ्ट हो चुके हैं, तो बहुत पुराना डाटा वो अभी भी शेयर हो रहा है। तो इस ब्लड ग्रुपिंग कैंप से हम लोग को ग्रुप पता चल जाएगा, हमारे पास फ्रेश डाटा हो जाएगा, यानी कि आज का डाटा, और हम उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जैसा हमारा फाउंडेशन का प्लान है कि आप ओ पॉजिटिव, मान लीजिए हम पूरे 24 वार्ड में प्रोग्राम को सक्सेसफुली कर लेते हैं लोगों का पार्टिसिपेशन के द्वारा, तो आज हमको अगर मान लो किसी को बी पॉजिटिव चाहिए तो अगर हम बी पॉजिटिव एंटर करेंगे तो हमारे पास 500,000 लोग बी पॉजिटिव आ जाएंगे, तो उसमें से हमको 2 लोगों को निकालना, 3 लोगों को निकालना हमारे लिए ज़्यादा समस्या नहीं पड़ेगा। तो ये समस्या जो है, और मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आधी समस्या प्रशासन की होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा समस्या हम लोगों को हल करना, और ये समस्या को हम प्रशासन के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं, अस्पताल के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं, ये हमारा द्वीप का समस्या है, तो हम लोगों को ही पार्टिसिपेट करके इसको हल करना होगा। आप सबों से हमारी ये गुजारिश होगी कि आप इसको अवेयर करें, क्योंकि अवेयरनेस आज सोशल मीडिया का समय है, और आप लोगों का हम इस प्रोग्राम को अंजाम देंगे, लेकिन आप इस प्रोग्राम को पब्लिसिटी करना होगा, ताकि कहीं ना कहीं जैसा हमारा रहमान भाई बोल रहा है कि हम लोग जाते हैं तो हम लोग को ब्लड नहीं मिलता, उसका एक कारण ये भी है कि ब्लड डोनेट करने से लोग हिचकिचाते हैं। जब हम लोग कैंप करेंगे तो हम लोग उसमें ब्लड डोनेशन का फायदा बताएंगे, ब्लड डोनेशन से आपको एक मेंटल पीस मिलेगा, नेचुरल आप सबको भी मिलता होगा, ये अच्छा काम है,
तो ये सब चीज़ें हम लोग कोशिश करेंगे कि लोगों को थोड़ा सा ब्रेड डोनेट करने में हेल्प करें, ताकि वो इजीली इस प्रोग्राम में शामिल हो सके। मेरे भाई साहब का कुछ सब बस इसमें मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप म्यूनिसिपल काउंसिल नंबर 1 से पहले आप लोग इंटरलैंड में देखेंगे, क्योंकि इंटरलैंड में बहुत जगह ब्लड बैंक नहीं है सर, तो ये एक तरह का अल्टरनेट सोर्स हो सकता है कि ब्लड अरेंजमेंट के लिए, तो आप लोग वहाँ में आप लोग फोकस पहले आप लोग इसे करें तो एक तरह का यूजफुल है, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ में तो ब्लड का जो शॉर्टेज का ब्लड अवेलेबिलिटी का एक एक्चुअल सोर्स आप ही का हो सकता है सर। ये अभी है कि जो पेशेंट जिसका ब्लड का रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम इन लोग इधर में रेफर करते हैं, जो पेशेंट हम देखा है कि उधर में जो इंटर आइलैंड में जो है ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, DHS को हम धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये मौका हम लोग को दिया है कि कम से कम ब्लड का शॉर्टेज हम लोग हमारा PHG फाउंडेशन मंत्री में शॉर्ट आउट कर सकते हैं। इंटर आइलैंड में हम लोग बहुत इसमें एक स्टडी किया है, इंटर आइलैंड में रिक्वायरमेंट है ब्लड, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर कुछ पेशेंट को कुछ ऐसा कुछ कंडीशन हो जाता है ब्लड का रिक्वायरमेंट, उन लोग जैसे आप लोग शुरू करेगा तो फिर उन लोगों या इतना तो उन लोग आने का जरूरी नहीं पड़ेगा, आप लोग देखिए ये ब्लड का जो है इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ऑर्डिनरी कंडीशन, इट हैज सेपरेट टेम्परेचर, वो जो ये इसको प्लाज्मा सेपरेट करके रखना पड़ेगा, ये बहुत टेक्निकल चीज है, आपको तो मालूम है। बीबी पॉइंट हॉस्पिटल अभी तो फिलहाल सब कुछ अरेंजमेंट करके रखा है, देन दे विल गो टू डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो ये तो करना ही है ब्लड का, तो एक ये बस लेटर स्टार्ट ईयर हमारा ये है कि हमको आप लोग से निवेदन करता है कि ये जो मैसेज जो है वाइड स्प्रेड करिए, 24 वार्ड्स कवर करना उतना ईजी नहीं है, फिर भी ये करने के बाद हम लोग साउथ ऑनलाइन जाएंगे, ताकि हमारे पास एक बड़ा डेटा बैंक है, जैसे हम बोला पुलिस का है, डिफेंस का है, ये सब लेके हम एक डेटा बैंक लेंगे। सर यूथ में अभी भी ब्लड डोनेशन को लेकर अवेयरनेस नहीं है सर, बहुत सारे यूथ हैं जो डरते हैं अभी भी, उसको कैसे आप लोग मतलब मोटिवेट करेंगे ब्लड डोनेट करने के? रमन भाई आपका बात एकदम करेक्ट है, आप हम बोलने वाला बात का बोल दें, यूथ के बीच में ब्लड देने से हम लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा, ब्लड देने से एक कब कितना दिन लगेगा हमको जनरेट होने में, ब्लड देने से बीमार हो जाएगा, ब्लड देने से मेरे को चक्कर आएगा, ये सब पूरा एक मिथ है, तो मिथ को हम लोग ब्रेक करना, इसलिए हम लोग एक एक वार्ड में जाके हम लोग कर रहे हैं, उसमें हम लोग इन लोग एजुकेट करेंगे, ब्लड देने से कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको 20 साल हम ब्लड दिया, 20 साल से हम ब्लड दे रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं, इनफैक्ट दैट इज वेरी गुड, आपको पुराना ब्लड जाके आपका नया ब्लड आपका सिस्टम में आएगा। इसमें एक चीज जोड़ देता हूँ मैं कि एक माइंड गेम है, उनका दिमाग में बैठा हुआ चीज है, और कहीं ना कहीं हम और आप भी पहले यूथ ही थे तो हम भी ऐसा सोचते थे, लेकिन जैसा समय बदला, हम जब फर्स्ट टाइम डोनेट किए उसके बाद हमारे दिमाग से ये चीज़ निकला, अभी हम लोग रेगुलर समय समय पर देते हैं, तो आज जो नए बच्चे हैं वो हम कल थे और हमारे पास भी ऐसी समस्या थी, हमारा समस्या हल हो गया, उनका भी हल होगा, बट उनको अवेयर करने की जिम्मेदारी आप सबकी है और हमारी है। ये हमको मालूम नहीं है, ये जब मालूम नहीं बोला, हमको मालूम है AB नेगेटिव, उसको पॉसिबल है AB पॉसिबल, ये तो रैर ग्रुप है AB और ये बॉम्बे ग्रुप हमको मालूम है, हम जरूर इसके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। अच्छा, आई थैंक यू फॉर गेटिंग दिस, शायद हम लोग इस तो ग्रुपिंग हमारा जो होगा जो कैंप लगेगा शायद इसमें मालूम भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों को अपना ग्रुपिंग भी नहीं पता होता है ना, तो शायद इसमें पता चल जाएगा, और ये हम लोग जैसा हमारे चेयरमैन सर बोले हैं कि ये कोई डोनेट वाला प्रोग्राम नहीं होगा, ग्रुपिंग आइडेंटिफाई करने वाला होगा, लोगों को ग्रुप आइडेंटिफाई हो जाएगा, लोग पैसे देके अपना ग्रुप आइडेंटिफाई कराते हैं तो फ्री हो जाएगा, और दूसरा आपको DHS हेल्प करेंगे, DHS के थ्रू में सब कुछ हो रहा है, DHS को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं, हम लोग अपना स्टाफ देंगे, ग्रुपिंग करेंगे, मेरा एक कोऑर्डिनेटर रहेगा जो सिस्टम में फीड करेगा,
एक एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म में सारा डाटा हम लोग मिलेगा, ये डाटा को हम लोग एक सॉफ्टवेयर में पोर्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, आप लोग सब आए हैं, और प्लीज़ आप लोग से निवेदन करते हैं कि ये जितना फार एंड वाइड आप लोग रीच करा सकते हैं कराइए, ताकि हमारा जो प्रोग्राम है सक्सेस हो और अंडमान का ब्लड का समस्या वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो।